हाइकोर्ट स्थायी बेंच पाई पूर्णांग प्रस्ताव देनाहंती राज्य सरकार सरकार कांदुछंती किंतु आखिरे लुह नाही केवल प्रश्न करी दायित्व सारी देला बीजेडी गवर्नेंस डेफिसिट रो बड़ उदाहरण निष्पत्ति नहीं पारुनाहंती राज्य सरकार पश्चिम ओडिशार विभिन्न अंचल मध्यरे विवाद करिबाकु षड्यंत्र पश्चिम ओडिशार हाइकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा पाई नाही राज्य सरकारक आंतरिकता दीर्घ वर्षर दाबी आवश्यकता को केबे भी गुरुत्व देनी बीजेडी सरकार तेबे एक कथा आमे कहुनु खोद बीजेडी सांसद सस्मित पात्र राज्यसभा रे पचारिथिबा प्रश्नर उत्तर रु एहा जणा पडिछे देशरे हाइकोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट रो बेंच प्रतिष्ठा पाई कोनोसी प्रस्ताव विचार दिन अछि कि बोली केंद्र आईन मंत्री को प्रश्न कहिथिले सस्मित जहार उत्तर आपणक सामनारे थोड़े नजर पकांतु एही दस्तावेज उपरे हाइकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा पाई केंद्र सरकार पाखकु कोनोसी राज्यरु पूर्णांग प्रस्ताव आसी नाही बोली स्पष्ट भाव उल्लेख करिसेंती केंद्र आईन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सेहीपरि जसवंत सिंह कमिशन सुपारिश आधारे राज्य सरकार पक्षरु पूर्णांग प्रस्ताव सह हाइकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा पाई समस्त खर्च बहन करिबाकु पड़िबो तबे बेंच प्रतिष्ठा पाई संपृक्त राज्य हाइकोर्ट मुख्य विचारपति सम्मति सह राज्यपाल सहमति रहिले ही प्रस्ताव को पूर्णांग धराजीव बोली कहिसंती केंद्र आईन मंत्री एते बेला पर्यंत जमी स्थिरीकृत करिनांती एते बेला पर्यंत केउकु अंचल को नेकरि पश्चिम ओडिशा स्थायी बेंच बा ताकु मध्य निष्पत्ति करिनांती तेणु मते लागुछि जी राज्य सरकार पाखरे आज भी कोर्ट पाखरे बलटा अच्छी राज्य सरकार पूर्णांग प्रस्ताव दिंतु केन्द्र सरकार प्रस्तुत अच्छा ओडिशा हाइकोर्ट स्थायी बेंच पश्चिम ओडिशा जो जगार राज्य सरकार प्रस्ताव देवे से जगह कर राज्य सरकार प्रस्ताव किंतु नियम अनुसार प्रस्ताव देना सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अनुसार आप दरखास्त करूँ कौ जगार हम कौन सब आवश्यकता अच्छी खर्च आप बहन करेंगे ना ना पाल कमिशन रे कौन लेखाला जना पड़ला ना ताको सरकार दबाई देले एवं दाबी दाबी होकर रहीगला जो कि पश्चिम ओडिशावासी क्षुब्ध केन्द्र सरकार सब बड़े सब कथा टालटुल नीति अवलंबन करुछंती कथा को तोड़ी बड़ी करी कथा हवा कहिबा एवं निज उपरे दोषटा को न आनी अन्न उपरे दोष देवा राज्य सरकार या कले से या कले किंतु से वास्तव रे डिसिजन देवा दरकार तबे पश्चिम और दक्षिण ओडिशा रे दुटी हाईकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा पाई 28 सेप्टेम्बर 2013 रे तत्कालीन आईन मंत्री कपिल सिब्बल को चिट्ठी लिखिले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जहाँ को आधार करी 15 अक्टोबर 2013 रे ओडिशा हाईकोर्ट रो मुख्य विचारपति को चिट्ठी लिखि मतामत लोड़ीथिले कपिल सिब्बल एवं 23 अक्टोबर 2013 रे मुख्यमंत्री को मध्य ए बाबदरे अवगत कराइथिले सिब्बल यहापर 13 फेब्रुआरी 2014 5 सेप्टेम्बर 2018 एवं 11 जनवरी 2019 रे बारंबार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखिले नवीन तत्कालीन आईन मंत्री रविशंकर प्रसाद मुख्यमंत्री को लिखिथिबा चिट्ठी रे हाईकोर्ट रो विचारपति आलोचना करी बेंच रो स्थान हाईकोर्ट बिल्डिंग और जज मानक क्वार्टर्स को नहीं विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करने नहीं उल्लेख करते किंतु प्रत्येक थर भली केवल चिट्ठी लिखि राजनीति रुटी सेकिबा छड़ा बेंच प्रतिष्ठा पाई हाईकोर्ट सम्मति सह अन्य आनुषंगिक आवश्यकता पूरण दिगरे केबे जत्नवान नथिले राज्य सरकार जहाँ कि विभिन्न समय रे थिबा केंद्र आईन मंत्री एवं मुख्य विचारपति चिट्ठी गुड़ी करु स्पष्ट होइछि हमको तो अप्रूवल देना है हाईकोर्ट का बेंच सर्किट बेंच जो भी है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जिम्मेदारी राज्य सरकार का होता है स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है चिट्ठी भी लिखा था मैंने पार्लियामेंट में भी सवाल आए थे उड़ीसा के जितने एमपी थे उन्होंने मुझे सवाल किया तो मैंने बोला कि मैंने उड़ीसा के हाईकोर्ट को मेरा तरफ से निवेदन किया है कि इसको आगे प्रक्रिया किया जाए एक कथा बारंबार बारंबार मुख्यमंत्री जनवा सत्वे सेटा सब गोटे से कुमीर कांदना पर होगा एवं समस्ते खाली आखिर लो देखा मात्र किसी आंतरिकता ना लास्ट को ये दुर्दन तीन वर्ष काल आम वकिल मैंने आम जीवन मूल्यवान समय हर 2024 निर्वाचन पाखे आसती वकिल मैंने पश्चिमांचल और दक्षिणांचल और उत्तरांचल वकिल मैंने असंतुष्ट होती तेणु वकिल मान संतुष्ट करने प्रकार गोटे विभ्रांतिकर प्रश्न करासक दल आभिमुख्य कौन से पुणी चाहूँगी वकिलों भितर गोटे अशांति सृष्टि करने भेदभाव सृष्टि करने स्थायी बेंच स्थापन प्रसंग को राज्य सरकार शीतल भंडार को ठेली देता बेले केन्द्र आईन मंत्री उत्तर सरकार अपारगता और आंतरिकता को पदारे पकाई
हाइकोर्ट स्थायी बेंच प्रसंग रे सरकार निजे करितिबा सीआर पाल कमिशन 2014 मार्च 31 तारिखर तांकर रिपोर्ट राज्य सरकार को देथिले भी ना से रिपोर्ट को सार्वजनिक न करा गला ना हाइकोर्ट को निकट रे उपस्थापित करा गला। नवा दिल्ली रु गगन विश्वाल, जयपुर रु मनोज दास और ब्रह्मपुर रु पीतांबर नाहकों सह भुवनेश्वर प्रदीप महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।